नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे राज्यों के उच्च न्यायालय में जो शेष में बचा हुआ था, आज बात करेंगे उसके बारे में, अनुच्छेद 226 का से। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 226 का कहता है, अनुच्छेद 226 का कहता है, अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता पर विचार ना किया जाना, ये पहले था जो 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 8 द्वारा 13(4)1978 से निरस्त कर दिया गया। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 227 के बारे में। अनुच्छेद 227 कहता है, सभी न्यायालयों के निरीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा। वह नंबर दो कहता है, पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उच्च न्यायालय का ऐसे न्यायालयों से विवरणीय मांग सकेगा। पॉइंट खा कहता है, ऐसे न्यायालयों की पद्धति और कार्यवाहियों के विनियमन के लिए साधारण नियम और फिर रूप बना सकेगा और निकाल सकेगा तथा बहित कर सकेगा। और गा कहता है, किन्हीं ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्ररूप बहित कर सकेगा। पॉइंट नंबर तीन कहता है, उच्च न्यायालय उन फीसों की सरणियों न्यायालयों के सैरफ को तथा सभी लिपिकों और अधिकारियों को तथा उनमें विधि व्यवसाय करने वाले अटार्नियों, अधिवक्ताओं और प्लीडरों को अनुज्ञेय होगी, परंतु खंड दो या खंड तीन के अधीन बनाए गए कोई नियम, वहत किए गए कोई प्रारूप या स्थिर की गई कोई सारणी तत्समय प्रवर्त किसी विधि के उपबंध से असंगत नहीं होगी और इनके लिए राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी। चार, इस अनुच्छेद की कोई बात उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण पर अधीक्षण की शक्तियां देने वाली नहीं समझी जाएंगी। टिप्पणियां, उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय नहीं है, यह सुस्थापित विधि है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 277 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए न्यायालय न्यायाधिकरणों तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों के विरुद्ध अपीलीय मुकदम न्यायालय का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेता। यह केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब यह पाया जाए कि निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है। मध्य प्रदेश विद्युत परिषद बनाम सौगोर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड AIR 1998 MP 168 के बाद में यह कहा गया। अधीक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त अधीक्षण का अधिकार उच्च न्यायालय में निहित है। इसमें निचले न्यायालयों तथा न्यायाधिकरण को उनकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर लाने के लिए न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार को यह देखने के लिए सम्मिलित किया जाता है कि वे वही करते हैं जो उनके कर्तव्य के लिए आवश्यक होता है तथा वे उसे विधिपूर्ण ढंग से करते हैं। अधिकारी तकनीकी नियमों से सीमित नहीं होता जो अनुच्छेद 226 के अधीन उत्प्रेषण लेख को निर्गत करने के अधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करती है। अनुच्छेद 227 के अधीन अधिकार विवेकिक हैं, इसके लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। अरुण लाल बनाम सिविल जज
बुलंदशहर EIR 1998, इलाहाबाद 29 SC के मामले में कहा गया। कुटुंब न्यायालय अधिनियम धारा 19 मध्यवर्ती आदेश के विरुद्ध अपील रिट में परिवर्तित नहीं की जा सकती, जहां उच्च न्यायालय को विधान के अधीन पुनरीक्षण संबंधी अधिकार नहीं दिया गया हो, वहां सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन पुनरीक्षण याचिका को संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मध्यवर्ती अवस्था में अपील करने के अधिकार को अभिव्यक्त रूप से अपवर्जित किया गया है। विविध अपील को अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। श्रीमती उषा कुमारी बनाम प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय EIR 1998 पटना 50 के मामले में यह बात कही गई। हसमुख भाई मोतीलाल बनाम आनंदीबेन EIR 1998 गुजरात 114 के मामले में कहा गया, द्वितीय अपील की नामंजूरी के पश्चात रिट याचिका पोषणीय नहीं होगी। अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका पोषणीय नहीं है, जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन याची द्वारा नियमित उपाय का लाभ प्राप्त कर लिया गया हो जिसमें वह असफल रहा तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उपलब्ध उपाय के लाभ को उठाने को उसे अनुमति नहीं दी जा सकती। बात करते हैं अनुच्छेद 228 की। अनुच्छेद 228 कहता है, कुछ मामलों का उच्च न्यायालय का अंतरण, यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उसके अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्विलित है जिसका अवधारण मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है, तो वह उस मामले को अपने पास मंगा लेगा और पॉइंट का कहता है मामले को स्वयं निपटा सकेगा या खा उक्त विधि के प्रश्न का अवधारण कर सकेगा और उस मामले को ऐसे प्रश्न पर निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस न्यायालय को जिससे मामला इस प्रकार मंगा लिया गया है लौटा सकेगा और उक्त न्यायालय उसके प्राप्त होने पर उस मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए आगे कार्यवाही करेगा। अनुच्छेद 228 का कहता है, राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा की धारा 10 द्वारा 13(4) 1978 से निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 229 कहता है, उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। वह नंबर एक कहता है, किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां उस न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करे, परंतु उस राज्य का राज्यपाल नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं दशाओं में जो नियम में विनिर्दिष्ट की जाए किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही न्यायालय से संलग्न नहीं है, न्यायालय से संबंधित किसी पद पर राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करके ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। पॉइंट नंबर दो कहता है, राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उस न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा जिसे मुख्य न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया है बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, परंतु इस खंड के अधीन बनाए गए नियमों के लिए जहां तक वे वेतनों भत्तों छुट्टी या पेंशनों से संबंधित हैं उस राज्य के
राज्यपाल के अनुमोदन की अपेक्षा होगी। पॉइंट नंबर 3 कहता है, उच्च न्यायालय की प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे और उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें अथवा और अन्य धनराशियां उस निधि का भाग